कोरोना की महामारी के दौरान आए दिन दिल को झकझोरने वाली, रूह को कपाने वाली खबरें सामने आ रही हैं और उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार मौत का आंकड़ा छिपाने की चाहे जितनी कोशिश कर ले, लेकिन गांव-गांव में जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो अत्यंत भयावह है, डराने वाले हैं। वो फिर चाहे कानपुर हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे लखनऊ के आसपास के गांव हो, बलिया हो, गाजीपुर हो, प्रयागराज के आसपास के गांव हो, बिजनौर के गांव हो, सुल्तानपुर हो, फैजाबाद हो, उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले के गांवों की स्थितियों का अगर आप आकलन करेंगे तो गांव-गांव में इस वक्त कोरोना के कारण लोगों की मौत हो रही है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि शमशानों में लाशों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। लोगों के पास शमशान में अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने का, दाह संस्कार करने का इंतजाम नहीं है, उनको लकड़ियां नसीब नहीं हो रही हैं। और हमने देखा कि प्रयागराज के घाट पर हजारों की संख्या में जिनको लकड़ियां नसीब नहीं हुई, अपने परिजनों का शव लोगों ने हिंदू रीति रिवाज के विपरीत बालू खोदकर जमीन में गाड़ दिया। ये उत्तर प्रदेश की मजबूरी की दशा है लोगों की, ये उत्तर प्रदेश में लोगों के सामने विडंबना और पीड़ा है जिसको शासन और प्रशासन नजरअंदाज करने में, झूठ बोलने में और अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ। उन्नाव में हमने देखा बालू के रेत के नीचे लोगों ने अपने परिजनों के शव गाड़ दिए। हमने गाजीपुर में देखा शव जमीन खोद के दफनाए गए। मजबूरी क्या है कि लकड़ी नहीं मिल रही है अंतिम संस्कार के लिए। आदित्यनाथ जी की सरकार ने दावा किया 5,000 रुपए मिलेंगे, इतना मिलेगा, उतना मिलेगा। अरे जब आपकी योजना ठीक है, अगर आपकी सरकारी योजनाएं सही रूप से जमीन पर लागू हो रही हैं, तो फिर क्यों लोग अपने घरों के शव जमीन में और बालू के रेत के नीचे गाड़ रहे हैं? इसका जवाब दीजिए आदित्यनाथ जी। ये जिन लोगों की जाने गई हैं, इनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछ रही हैं, इनकी आत्माएं आपसे सवाल पूछ रही हैं कि हमने क्या गुनाह किया था कि मरने के बाद कफन और लकड़ी भी नसीब नहीं हो रही है आपके राज में आदित्यनाथ। और आज हालत ये हो गई है कि किसी जिले में कोरोना की जांच नहीं होती, गांव-गांव में खांसी हो रही है लोगों को, बुखार हो रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कि उनको कोरोना है अथवा नहीं है। अस्पतालों में बेड का इंतजाम नहीं है, वेंटिलेटर हैं तो चल नहीं रहे हैं, लोग अस्पताल पहुंचने से पहले या तो अपनी जान दे दे रहे हैं या अस्पतालों में दम तोड़ दे रहे हैं। मैं मांग करता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार से बगैर विलंब किए 75 जिलों में और उत्तर प्रदेश के सभी ब्लॉक के अंदर कोरोना के जांच केंद्र खोले जाएं। बीमारी छिपाने से, पर्दा डालने से, संकट के सामने खड़े होकर ताली बजाने और पीठ थपथपाने से समाधान नहीं होगा, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि संकट को जानिए और संकट को रोकने का इंतजाम कीजिए। हर जिले और हर ब्लॉक के अंदर कोरोना के जांच की व्यवस्था की जाए, जांच केंद्र बनाए जाए जहां पे एंटीजन और आरटीपीसीआर की जांच हो सके, लोगों को पता चल सके कि उनको कोरोना है अथवा नहीं है और उसके हिसाब से वो अपना दवा और इलाज करा सके, नंबर एक। दूसरी बात, एम्बुलेंस की समस्या और दाह संस्कार की समस्या। सरकार ने आदेश जरूर जारी कर दिया, लेकिन जिस जिले में दाह संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम नहीं हो रहा है, ऐसे जिला अधिकारी को और ऐसे प्रशासन के लोगों को निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये गुनाह है, पाप है कि बलिया के अंदर पेट्रोल और टायर से अंतिम संस्कार किया जा रहा है, शवों को जलाया जा रहा है पेट्रोल और टायर से। ये अपमान है, ये गुनाह है, ये अपराध है जो हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर। इसलिए कुछ घोषणाएं कल दिल्ली की हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी ने की है, और मैं समझता हूं योगी आदित्यनाथ जी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को इन फैसलों पर विचार करना चाहिए और उत्तर प्रदेश में भी ये सारे फैसले लागू करने चाहिए। दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान किया है कि जिनके घर में कोरोना के कारण मृत्यु हुई है उनको 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। जिनके बच्चे अनाथ हो गए हैं, जिनके पिता माता नहीं हैं बच्चों के, उनकी पढ़ाई का, उनकी दवाई का, उनकी शिक्षा का पूरा इंतजाम दिल्ली की केजरीवाल की सरकार करेगी। और जब तक वो बच्चे 25 साल की उम्र के नहीं हो जाते, यानी अपने पैरों पे खड़े नहीं हो जाते, उनको 2,500 रुपये प्रति माह पेंशन देने का काम सरकार करेगी। परिवार में जो कमाने वाले सदस्य थे, अगर पति की मृत्यु हुई है तो पति को, माता पिता को, अगर पति पत्नी दोनों की मृत्यु हो गई है तो माता पिता को प्रतिमाह पेंशन देने का काम
दिल्ली की सरकार करेगी। कोरोना के लॉकडाउन के चलते गरीबों के सामने राशन का संकट वहां पैदा हो गया, तो इसके लिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया कि 72 लाख जो राशन कार्ड होल्डर हैं, जिनके पास राशन कार्ड है, राशन कार्ड धारकों को तो राशन देगी ही देगी, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी राशन देने का काम दिल्ली की सरकार करेगी। और इन सब के लिए एक अच्छी और ईमानदार नीयत चाहिए, जो केजरीवाल सरकार के पास है, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार के पास है। मैं निवेदन करता हूं, मांग करता हूं योगी आदित्यनाथ जी से, एक बड़ा संकट आया है उत्तर प्रदेश में, आप कृपा करके लोगों की मदद के लिए सामने आइए। जो बच्चे अनाथ हुए हैं उनके लिए पेंशन की व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए। जिन परिवारों में मृत्यु हुई है उनको 50,000 रुपये का मुआवजा देने का काम कीजिए। और राशन की कोई दिक्कत लोगों के सामने ना आए तो निःशुल्क राशन, मुफ्त में राशन बांटने का भी काम कीजिए।